दोस्तों अगर आप अपने घर पर ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह से ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लेकर उसे लगा सकते हैं और बाद में आपको मिलेंगे इस तरह के पौधे जिनमें लगेंगे ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट। ये जो आप ड्रैगन फ्रूट के पौधे देख रहे हैं ये मैंने 2 साल पहले लगाए थे इसी तरह से कटिंग को बुलाकर। तो आप भी इस तरह से कटिंग ले सकते हैं, मार्केट में लोकल नर्सरी में से आप परचेस कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ये मिल जाती है। जब आपको इस तरह से कटिंग मिल जाती है तो फिर आप इसे कैसे लगाएं, किस तरह से इसे लगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको इस तरह से जल्दी ग्रोथ मिलने लगे। ये लगभग 1 महीने पहले ही मैंने ड्रैगन फ्रूट की ये कटिंग लगाई है, तो आज मैं आपको ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लेने से लगाने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, जो कटिंग है आपको मैच्योर प्लांट से लेनी है। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर इस तरह से ड्रैगन फ्रूट लगा है तो आप वहाँ से भी कटिंग ला सकते हैं। तो कटिंग लेने का तरीका समझ लेते हैं, इन्हें मैं साइड में रख देता हूँ। तो कटिंग आपको मैच्योर ब्रांच से लेनी है। जैसे आप ये ब्रांच देख रहे हैं ये मैच्योर ब्रांच है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो देखिए ये भी मैच्योर ब्रांच है। अब इसकी कटिंग लेने के लिए हमें इसे कट करना होगा। सबसे पहले तो देखिए मैंने ये ग्लव्स पहन रखे हैं, इनमें कांटे होते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ग्लव्स पहन कर ही आपको जो है काम करना है और यहाँ से मैं इसे कट कर ले रहा हूँ। ऑलरेडी ये यहाँ से थोड़ी सी टूट चुकी है और ये देखिए ये हमने कटिंग ले ली है। और अब इतनी बड़ी कटिंग आपको नहीं लगाना है, कटिंग की साइज़ ये सही है, लगभग 4 से 6 इंच की जो कटिंग होती है वो सही होती है। तो चलिए इस कटिंग को रख लेते हैं और इसे पॉट में कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। अगर आप पॉट में लगाएंगे तो इसकी रूट ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दें या डायरेक्ट भी आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अब देखिए ये कटिंग जो मैंने ली है तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। एक हमारी ये कटिंग बन गई और एक हमारी जो ये कटिंग है इसके हम 2 हिस्से बना लेंगे। तो लगभग लगभग हम यहाँ से इसे आधा काट देंगे तो आपको 5 से 6 इंच की जो कटिंग है वो बना लेनी है। तो इस तरीके से आप इसे कट कीजिए। ऊपर से तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी, बीच में इसमें एक हार्ड जो है वुड होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब इस तरह से हमने जो कटिंग ली है तो ये इसका सीधा हिस्सा है, तो अब जो नीचे का हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखिए आप इसमें इस तरह से कट भी लगा सकते हैं थोड़े थोड़े इस तरीके से, और नहीं भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों ये ऑप्शनल है। इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहीं से इसकी रूट ग्रोथ होगी, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी रूट ग्रोथ होगी। इस तरह से कट करके आप इसे 1 दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं थोड़ा सा ड्राई करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधे ही इसे लगा दें जैसे मैं आज आपको लगाना बताऊंगा। तो इसे हमने यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कट कर दिया है और थोड़ा सा हम इस तरफ से कट कर देंगे तीनों तरफ से, ये देख सकते हैं आप। और यहीं से रूट ग्रोथ इसकी होने वाली है यहाँ सारी जगह से। तो ये 2 कटिंग बन गई हैं हमारी और तीसरी तो ऑलरेडी ये इस तरह से है तो इसे किसी भी तरह से नहीं छेड़ना है। आप ये देख सकते हैं ये रूट निकल रही है इसकी, ये देखिए। तो इस तरह से ये रूट ग्रोथ इसकी हो जाती हैं, तो इसे तो आप डायरेक्ट ही लगा दीजिए। थोड़ा सा और हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। अब ये जो हमने छोटे पॉट लिए हैं आप इस तरह से 4 इंच के पॉट ले सकते हैं, 5 इंच का ले सकते हैं, इस तरह से देखिए बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। ये लगभग 2 महीने पहले मैंने लगाई थी कटिंग, तो आप देखिए इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है, मतलब अभी ये ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, सीधा आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा, बाद में इसको आप कट कर देंगे तो ये अपोजिट इस तरह से नीचे आने लगेगा। ये जो मिट्टी है नॉर्मल मिट्टी है जो हम गमले में भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की आपको मिट्टी बनानी है। इसमें कोकोपीट थोड़ी मिला दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब देखिए इस कटिंग को मैं लगा रहा हूँ। अब ध्यान, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं लगाना है, इसको सीधा लगाना है और लगभग ये 2 इंच इतना आपको इस गमले में इस पॉट में आपको दबा देनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने दबा दी है। अगर मिट्टी थोड़ी आपको कम लग रही है तो आप और जो है अलग से मिट्टी को इसमें डाल दीजिए इस तरीके से।
एक सेकंड कटिंग और मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो इसको हमने इस तरह से पकड़ी है तो कांटे आपको नहीं लगेंगे, और यहाँ से इसे लगभग इतना डीप आपको लगा देना है। और ऊपर आप चाहें तो फंगीसाइड लगा सकते हैं, हल्दी लगा दीजिए जहाँ आपने कट लगाया है, तो इसमें कोई भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में आपको ध्यान ही रखना है कि ये एक कैक्टस प्रजाति का पौधा होता है जो ड्रैगन फ्रूट होता है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने कटिंग लगा दी हम दे देंगे पानी, और इसके बाद हम बार बार इसमें पानी नहीं देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर पानी आप कब दीजिए, जब आपको लगे कि ये मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है तभी आपको दोबारा पानी देना है, बार बार पानी नहीं देना है। इसके बाद लगभग ये 15 दिन तो आपको इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी, और 15 दिन के बाद आप देखेंगे तो इसके साइड से यहाँ से जो है दूसरी ग्रोथ होने लगेगी, या फिर जैसे आप इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये सेम कटिंग लगी थी तो ये ऊपर से ग्रोथ होने लगी, या तो ऊपर से ग्रोथ होगी या साइड से ग्रोथ होगी। अब मैं आपको इस कटिंग को निकाल कर दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी रूट अभी बनी है एक महीने में। तो सबसे पहले इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह से टैप करेंगे तो ये कटिंग हमारी देखिए इसी मिट्टी से बाहर आ जाएगी, और ये देखिए इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, और इसकी रूट थोड़ी सी अभी हमें कम दिख रही हैं मिट्टी के साथ ही, इसे हम ये देखिए बाहर करते हैं तो ये देखिए इस तरह से रूट बन जाती हैं। और मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मिट्टी के अंदर जो है ड्रैगन फ्रूट की रूट कैसे बनती हैं। और सेम मेथड से मैंने इसे लगाया था तो आप समझ जाएंगे। आप देखिए ये मैंने जो कोने से इसे कट किया है वो कुछ इस तरीके से है। हाँ सर, देखिए इन्हें हमने पानी से धो दिया है, और अब आप रूट देख सकते हैं कि कैसे बनती हैं, और इसे बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना होता। उसके पीछे का आप रीज़न देख सकते हैं कि जो जड़ें हैं वो बिल्कुल इस बॉटम से इसके नीचे से ही निकली हुई हैं, और बहुत ही अच्छी ये जड़ मिली है मुझे। और इसके बाद जब आप इस कंडीशन में आप इसे जो ये ड्रैगन फ्रूट की कटिंग है इसे आप लगा दीजिए बड़े ग्रो बैग में, ये देखिए तो ये हमने वॉश कर लिया है और इस तरह से रूट ग्रोथ हुई है, और ये ग्रोथ हुई है यहाँ से बॉटम से, जो इसकी बीच में बोर्ड होती है हार्ड बोर्ड उसी से ये इसकी जड़ें बनती हैं। तो देखिए ये यहाँ से जड़ इसकी निकली, और अब ये जड़ डेवलप होती जाएंगी, नीचे जाती जाएंगी, पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि हमने इसे इतना गहरा लगाया था उतना ही आप इसे लगाएंगे तो लगभग एक महीने में इसमें से इस तरह से रूट ग्रोथ होने लगेगी। फिर आप इसे भी किसी भी बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए, नीचे ज़मीन पर भी आप लगा सकते हैं, और खुद के ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। और एक बार आपने एक पौधा बना लिया उससे आप खुद के मल्टीपल ड्रैगन फ्रूट के प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये था ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लगाने का सही तरीका। कटिंग लगाने के बाद आप इसे सेमी सेड एरिया में रख सकते हैं, हर पार्शियली सेड होना चाहिए। सर्दियों में आप लगाएंगे तो आप कहीं भी रख दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने अक्टूबर के मंथ में या नवंबर के स्टार्टिंग में लगाई होगी, और अभी भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो मैंने साल भर लगा के ट्राई किया है, कभी भी आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है अगर आप रेनी सीजन में लगा रहे हैं तो। बाकी ये बहुत जल्दी ग्रो होती है और आप खुद का ड्रैगन फ्रूट इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से मेरे दूसरे वीडियो देखते रहें। आपसे मिलूंगा मैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।